विद्यार्थीगण, अब हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है 5.5। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, इसको करना क्या होगा से समझिएगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। जैसे आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग वाई, और ये सब गुना में है तो चला आएगा जोड़ में, सब यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग यहाँ हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस थ्री एक्स। ठीक है, अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का होता है 1/y, यह हो जाएगा dy/dx बराबर लॉग कॉस एक्स जो दिया हुआ है बाबू, इसका करिएगा तो लॉग एक्स का होता है 1/cos x, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस मिलेगा साइन एक्स। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपका बाबू कॉस 2x, यहाँ हो जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, माइनस यहाँ मिलेगा आपको कॉस 3x, और इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएगा बाबू आपका 3 sin 3x sin 3x। अब यहाँ से फंक्शन आपका बन गया, देखिए यह फंक्शन क्या बना, देखो यह फंक्शन बन गया dy/dx। यह y इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, y का वैल्यू दिया हुआ है आपका cos x cos 2x और दिया हुआ है cos 3x into, इसको देखिएगा यहाँ अगर माइनस को आप कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन को कॉमन, सब में से माइनस आ जाएगा, साइन बटा कॉस बन जाएगा आपका tan x प्लस यहाँ हो जाएगा 2 tan x प्लस 3 यह हो जाएगा tan x, यही हो जाएगा आपका आंसर। या आप एक काम और कर सकते हैं, सबका एलसीएम ले सकते हैं, नीचे वाला कट भी जाता, ऊपर से ऊपर उड़ जाता, ये सब कट जाता, ऊपर वाले फंक्शन बच जाते, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा फंक्शन आप देखें, यहाँ दिया हुआ है बाबू, तो इसको करेंगे क्या से समझो, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसको आप लिखेंगे x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, इसके पूरे का पावर आप लगा सकते हैं बाबू 1/2। ठीक है, जब आप लॉग लगाइएगा तो पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में। अब करेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जैसे दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा बाबू लॉग वाई। ठीक है, अच्छा जी, ये पावर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा से समझेंगे, एक्स माइनस हो जाएगा 1। ठीक है कि नहीं, और यहाँ हो जाएगा आपका x-2/ यहाँ हो जाएगा x-3 x-4 और x-5। अब देखें log m/n माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ से एक स्टेप और देख लो, यहाँ हो जाएगा आपका log y बराबर 1/2, इसको लिखेंगे आप ऐसे, यहाँ हो जाएगा log, ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला को नीचे लिख लेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, log हो जाएगा आपका m/n, यहाँ हो जाएगा x-1, यहाँ हो जाएगा x-2 माइनस यहाँ हो जाएगा log x-3 x-4 और x-5। ठीक है, यह दो फंक्शन बना। अब क्या करेंगे,
कि जब यह गुना के रूप में रहता है तो जोड़ में जाता है, ठीक है कि नहीं। यहां से देखो, ध्यान देंगे, यहां हो जाएगा आपका log y बराबर 1/2। अब देखिए इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है तो आप इसको ऐसे लिखो, यहां हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस हो जाएगा log x माइनस हो जाएगा 2, बीच में लगता है माइनस। अब देखिए माइनस में करें तो प्लस 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 माइनस सब माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा आपका log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस हो जाएगा log x माइनस 5, ठीक है। चलो अब आपका काम हो गया, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा 1/y, यहाँ हो जाएगा dy dx, 1/2 रहेगा जी। लॉग x का लिखेगा तो 1/(x-1), x का तो 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ करेंगे बाबू तो 1/ हो जाएगा x-2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/(x-3) माइनस, 1/(x-4) माइनस, 1/(x-) क्या हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका। अब y देख लो, यहाँ से निकालेंगे dy by dx, y आपका गिवन है यहाँ पर, देखो ये वाला पोर्शन आप इसको लिख दो या डायरेक्ट खाली y लिखो, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब चाहेंगे तो सबका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं, तो सबका एलसीएम आप ले करके काट भी सकते हैं, और नहीं तो सिंपल छोड़ दो, 1/ क्या हो जाएगा x-1। और आप ले लीजिएगा एलसीएम तो ले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एलसीएम अगर लेंगे तो ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x-1, x-2, x-3, यहाँ जाएगा x-4 और x-5, ठीक है। अब ऐसे लेने से कोई फर्क नहीं, आंसर आपका इसी फॉर्म में दिया हुआ तो छोड़ दो, एक काम करो यहाँ पर खाली लिख दो 1/ क्या आ जाएगा x-1 प्लस 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) 1/(x-4) 1/(x-) क्या आ जाएगा 5। इस y का वैल्यू खाली पुट कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है, आंसर आ जाएगा यहीं पर आपका, क्या दे देगा आंसर, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब दोनों तरफ जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा लॉग लॉग एक्स का पावर हो जाएगा कॉस एक्स, तो यह मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है सर। अब जैसे यह गुना में जाता है डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/ हो जाएगा वाई डीवाई वाई डी एक्स, कॉस का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा बाबू लॉग एक्स, माइनस में लगेगा, कॉस एक्स का होता है क्या साइन एक्स, चलिए बीच में प्लस, लॉग एक्स का करेंगे तो 1/ हो जाएगा बाबू लॉग एक्स, ये तो हो गया इस लॉग का लॉग एक्स, इस लॉग का होगा तो 1/x मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वाई को उधर भेज दो, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से निकाल लेना डीवाई बाई डी एक्स, जैसे डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे ये जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा वाई इंटू हो जाएगा क्या लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू हो जाएगा क्या साइन एक्स, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, बटा हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा लॉग एक्स, सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई दोनों में रहेगा, याद रखना ये मल्टीप्लाई दोनों में करेगा, ठीक है, ये इसके साथ ही रहेगा लेकिन माइनस यहाँ पर लगेगा आपका, ये इसके साथ माइनस में है, वाई दोनों में मल्टीप्लाई रहेगा ऐसा, ठीक है। इसको लिखो फिर बताते हैं आगे, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब आप लॉग को लेते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग वाई,
पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा, लॉग हो जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस, फिर से पावर मल्टीप्लाई करेगा, लॉग हो जाएगा एक्स प्लस फोर, फिर से पावर मल्टीप्लाई करेगा और आएगा आपका लॉग एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वन अपॉन वाई और डीवाई वाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा टू एक्स प्लस हो जाएगा थ्री, यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर, फोर एक्स प्लस फाइव, निकालेंगे डीवाई वाई डी एक्स, वाई मल्टीप्लाई कर जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा टू बटा एक्स प्लस थ्री, थ्री बटा एक्स प्लस फोर, और प्लस जाएगा फोर बटा एक्स प्लस फाइव। अब चाहेंगे तो सबका एलसीएम लेकर के एक को काट लेंगे, नहीं तो इसी का आंसर छोड़ देंगे। क्या बात समझ में आ गया? आप एलसीएम ले सकते हैं, इसको उड़ा लीजिएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, डिफ्रेंशिएट नॉट, दोनों तरफ लॉग लेने पर जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई, मल्टीप्लाई करो एक्स, यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा बाबू क्या लॉग चलो यहाँ हो जाएगा इनवर्स रूट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। ठीक है कि नहीं? अब करेंगे क्या से समझिए, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, यह हो जाएगा डीवाई वाई डी एक्स। अच्छा, यू इंटू वी के केस में चला गया ही, यहाँ हो जाएगा आपका लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा वन, प्लस लॉग एक्स का वन अपॉन हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, साइन इनवर्स का करिएगा तो वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर माने वन माइनस रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा वन बटा साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। ठीक है, अब देखो ये तो लॉग का हो जाएगा वन बटा रूट साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स का करिएगा तो हो जाएगा वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का करिएगा तो यह मिलेगा बाबू वन बटा टू रूट अंडर एक्स, ये कहाँ चलाएगा नीचे, जैसे यह नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स, यहाँ तो वाई मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या लॉग, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस यहाँ एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा वन बटा टू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। ठीक है कि नहीं? यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखें, यहाँ दिया हुआ है, क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने, लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा लॉग, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू हो जाएगा
लॉग एक्स, क्योंकि आप लॉग ये तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, लॉग लगाइएगा तो यहाँ एक्स बचेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, वन अपॉन हो जाएगा वाई डी वाई डी एक्स। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, लॉग क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, प्लस अब लॉग एक्स का करेंगे तो मिलेगा वन अपॉन लॉग एक्स, इस लॉग का करिएगा तो मिलेगा एक्स, और ऊपर वाला हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ भी यू इंटू वी के फॉर्म में जाएगा। ठीक है कि नहीं, इसको करिएगा तो मिलेगा बाबू वन बटा एक्स, और मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स, मतलब यह मिलने वाला है लॉग एक्स बटा हो जाएगा एक्स प्लस। इसको जब आप करेंगे तो सेम चीज मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या लॉग एक्स और बटा हो जाएगा एक्स। इसी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा डी वाई वाई डी एक्स, वाई तो गुना करेगा, यहाँ आ जाए आपका लॉग लॉग एक्स प्लस, यहाँ बचेगा वन अपॉन लॉग एक्स प्लस। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स माने टू लॉग एक्स, सिंपल सा फंडा, लॉग एक्स माने टू लॉग एक्स, ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर वाई का वैल्यू आप पुट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा वाई इंटू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस, इसको लिखेंगे तो एक्स इंटू हो जाएगा लॉग वाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग वन, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, वाई का हो जाएगा बाबू डी वाई वाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करेगा क्या लॉग एक्स, लॉग एक्स का वन बटा एक्स तो वाई बटा हो जाएगा एक्स प्लस, एक्स का हो जाएगा वन मल्टीप्लाई करेगा क्या लॉग एक्स यानी लॉग वाई, और लॉग वाई का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स, सॉरी वन बटा वाई हो जाएगा, तो एक्स बटा हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स, लॉग वाई का करिएगा तो वन बटा वाई एक्स गुना होगा, और वाई का करिएगा तो डी वाई वाई डी एक्स, अब बराबर क्या आ जाएगा जीरो, डी वाई वालों को एक साइड में कर लो तो यहाँ आ जाएगा डी वाई वाई डी एक्स, यहाँ मिलेगा आपका क्या लॉग एक्स प्लस, यहाँ मिलेगा एक्स बटा वाई। ठीक है कि नहीं, बराबर उस साइड में भेज दो, जैसे ही उस साइड में आएगा तो माइनस को कॉमन कर लो, यहाँ हो जाएगा क्या लॉग एक्स, अब प्लस हो जाएगा वाई बटा एक्स, यहाँ से निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स बराबर, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा क्या लॉग एक्स, और प्लस हो जाएगा वाई बटा एक्स, और नीचे में हो जाएगा बाबू लॉग एक्स, और प्लस हो जाएगा एक्स बटा वाई। इसका सॉल्यूशन कर लेना, एलसीएम अगर लेना चाहिए तो नीचे वाला एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर वाला ई एक्स से एक्स के ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना लिखो तो फिर आगे बताते हैं।